मनीष भिदुड़ी ने पिछले दिनों संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर राजनीति गरमाई हुई। अब दानिश अली ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भिदुड़ी के खिलाफ सजा की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। संसद में रमेश भिदुड़ी के आपत्तिजनक बयान मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दानिश अली ने पीएम मोदी के मामले में आरोपी के खिलाफ उचित सजा की मांग की है। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा बढ़ाने की भी जो है वो मांग की है। दानिश अली ने कहा कि आज 8 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने जिस सदन का सदस्य हूं उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को एक खत मैं आज लिख रहा हूं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। 21 सितंबर को जो हुआ सदन के अंदर और उसे 3 दिन पहले मोदी जी ने सदस्यों के आचरण की बात की थी। बीएसपी सांसद ने कहा कि G20 के नाम पर हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात की, लेकिन बापू के देश में जो लिंचिंग की घटना हो रही है उससे पूरी दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी, मन की बात में भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जाने दिया जाता है तो ये सदन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में कुछ सांसद दोषी पाए गए तो सोमनाथ चटर्जी ने 10 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी। कम से कम दोषी सांसद को लोकसभा से उसकी सदस्यता खत्म करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें। मैंने पीएम को लिखे खत में कहा है कि आपकी ओर से एक बयान तो आना चाहिए जिसमें आप इस तरह की हेट स्पीच की निंदा करें। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से रमेश भिदुड़ी ने लोकसभा में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां पर खड़े होकर एक कम्युनिटी को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें कही थी, और इसको उन्होंने कहा था बीएसपी सांसद दानिश अली को निशाना बनाते हुए उन्होंने ये सारी चीजें कही थी। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने कहे थे कि जो ना हम आपको बता सकते हैं ना ही सुना सकते हैं, और उसको लेकर राजनीति अब काफी ज्यादा गरमाई हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि अक्सर रहते हैं वैसे ही अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है और उनसे जवाब मांगा है। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।